इन्हें लो प्रत्याशी अर्जुन चौटाला ने कहा कि आपका आशीर्वाद मिला तो मैं महाभारत के महारथी अर्जुन की तरह से एक ही फैसले में गुहला चीका क्षेत्र को नशे से मुक्त कर दूंगा। आज यहां भाजपा के स्तर के नेता, प्रशासनिक अधिकारी व पूरी मशीनरी नशेड़ियों को बचाने में जुटी है। कुछ अधिकारी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज की जड़ों में घर बना चुके नशे के कारण खोखली होती हमारी युवा पीढ़ी को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। जिस नेता को यहाँ के लोगों ने अपना चौकीदार बनाया था, यह दुर्भाग्य है। इस देश की राजनीति का ऐसे नेता फिर भी बेशर्मों की तरह अपने आप को जनता का प्रतिनिधि बताते हैं, जबकि उनके परिजन सरेआम आमपुल संरक्षण में गाड़ियों में नशा बेचते हैं। पंजाब के निकट से इस क्षेत्र में नशे की बड़ी समस्या है। उनका प्रयास रहेगा कि वे सांसद बनने के बाद देश की संसद में इस संबंध में आवाज बुलंद करूं और एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए कि इस क्षेत्र में नशे जैसी बीमारियां पहुंच ही ना पाए। इस क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र रख खोले जाएंगे। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। मेरा काम तो ये है कि यहाँ के लोग जो भी मेरे को बात बोलेंगे, जो कहेंगे कि बेटा हमारी ये बात तू पार्लियामेंट में उठा, हमारा ये इशू है, इसको तू पार्लियामेंट में ले जा, चाहे किसी मेरे को मंत्री से मिलना हो, चाहे किसी भी उससे हो, मेरा मेन मकसद ये है कि यहाँ के लोगों की, यहाँ के अपने साथियों की, उनकी आवाज़ को जितना हो सके बुलंद करूँ। क्योंकि युवा होने के नाते मैं एक चीज़ को समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आज का युवा नशे से जितना हो सके दूर रहे। और जो आपने मेरे को बात बताई यहाँ के विधायक के बाद, ये तो कितनी बहुत ही दुख की बात है कि जो इंसान यहाँ की जनता को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ की जनता के बेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, अगर वही ऐसा काम करे तो बड़ी गलत बात है। मेरी खुद का मानना है नशा को कम करने के बहुत तरीके हैं। स्पोर्ट्स में युवाओं का साथ दो, स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, गांव में स्टेडियम्स को, कोचेस लाने चाहिए, स्टेडियम्स को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो युवा गेम खेलता है वो नशे से दूर रहता है। और दूसरी अगर एक चीज़ है, अगर आपको इसकी जड़ से आपको इसको मिटाना है तो युवा को रोज़गार दो। युवा वो ही नशे में जाता है जिसके पास आज कुछ नहीं है करने को। जो लड़का पढ़ लिया, जो बेटी पढ़ ली, जिन्होंने पढ़ाई कर ली, अपना सारा कुछ करा, डिग्री आ गई, अगर उनको आज रोज़गार नहीं मिलेगा, अगर वो खाली बैठे रहेंगे, वो बेचारे क्या करेंगे। एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर वो हमारे युवा साथी खाली बैठे तो वो भी नशे के अंदर आएगा। उसको अगर इससे दूर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पोर्ट्स के ऊपर और उनके रोज़गार के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके हमें ध्यान देना चाहिए। आपने कहा जी, सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊँ, वो जुमले जो दिखाए थे वो पिछले चुनाव में दिखाए थे, इस चुनाव में तो बीजेपी कोई मुद्दा ही नहीं लेके आ रही। अब आप पत्रकार हैं सर, हम अगर बात करें पॉलिसी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा चुनाव में। हम क्या कर सकते हैं, क्या नई चीज़ ला सकते हैं? जो वादे पिछली बार करे वो तो पूरे करे नहीं, जो वादे नहीं करे वो पॉलिसीज लेके आए, और अब की बार तो ये कोई पॉलिसी ही नहीं लेके आए। इन्होंने तो सीधी सी एक चीज़ बोली, पाकिस्तान का डर दिखाते हैं और बोल देते हैं कि भाई मोदी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, इसलिए हम बचाएंगे। भाई साहब, हमारे भारत की सेना आज भी इतनी सक्षम है, और आज से नहीं, हमेशा से इतनी सक्षम रही है कि पाकिस्तान से कभी भारत को डर नहीं रहा। अब पाकिस्तान की वजह से निरंतर बार भारत को परेशानी आई है कि वो तंग करते हैं, लेकिन कभी भारत का इंसान, भारत का नागरिक, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारत के नागरिक को ये बोलना पड़ जाए कि जी मुझे पाकिस्तान से डर लगता है। आज के दिन आप भारत के एक एक नागरिक से पूछ लो, एक एक नागरिक छाती ठोक के बोल सकता है कि जी पाकिस्तान, भारत की सेना के आगे पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं है, उनको विश्वास है। लेकिन ये बीजेपी आज के दिन लोगों के अंदर ये डर बिठाने का काम कर रही है कि भाई हमें वोट दो वरना पाकिस्तान तुम्हें खा जाएगा। भारत की सेना ने, जब जब पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के खिलाफ उतरी है मैदान में, हमारी सेना ने निरंतर उनको हराने का काम करा है, और हर बार बीजेपी नहीं थी तब। और जो सेना है वो सैनिक से चलती है, राजनेताओं से नहीं चलती। जाहिर सी बात है, आज के बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, उनके पास कोई लीडर ऐसा नहीं है जो बोल सके कि मैं जनता के बीच गया हूँ। आज के दिन ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है इनके पास, वो है नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं। एक इनका लीडर, मुख्यमंत्री से लेके गांव के वर्कर तक, कोई आज के दिन ये नहीं गिना सकता कि हमने जनता के लिए करा है। लेकिन आज के दिन जनता इस बात को समझती है, क्योंकि अगर आज ये इस बिकावे में आ गए, अगर आज मोदी के नाम पे वोट दे दिए तो नरेंद्र मोदी जी तो यहाँ पर आएंगे नहीं। लोगों को तो इन्हीं लोगों के साथ डील करना है, इन्हीं लोगों ने इनके बीच रहना है, यही लोग इनके बीच आएंगे, और इन लोगों से जनता आज के दिन तंग आ गई। आज के दिन जनता एक बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेगी और अच्छी तरह से इनको धूल चढ़ाने का काम करेगी। क्या प्रोपेगेंडा नाम की एक चीज़ होती है, और आज के दिन हर वर्ग इस चीज़ से दुखी है, लेकिन जनता की ज़रूरतों को आप समझो, जनता की दिक्कतों को आज समझो, उनके पास विकल्प क्या है? दूसरी तरफ एक राहुल गांधी और कांग्रेस है। क्या कांग्रेस से जनता परेशान नहीं है? क्या कांग्रेस ने जनता को नहीं खाया? कांग्रेस ने तो इस देश को भी खा दिया पूरी तरह से। जनता तो आज के दिन चाहती है कि रीजनल पार्टी स्ट्रांग हो,
जनता तो आज के दिन रीजनल पार्टीज के साथ जाना चाहती है, वो इनमें यूनिटी देखना चाहती है। भारत की जब सारी रीजनल पार्टीज एक होंगी, आप देखो 100% सारी की सारी जनता रीजनल पार्टीज के साथ जाएंगी, क्योंकि उनको पता है ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, देश की पॉलिटिक्स के अंदर स्टेट्स को, आम लोगों को नकार देते हैं। और इसी करके आज के दिन आपको पूरे देश के अंदर आप जाओगे, आपको रीजनल पार्टीज का राइज दिखेगा, क्योंकि जनता धीरे धीरे उनकी तरफ